वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, महंगाई कंट्रोल के लिए हुकूमती इकदामात पर ब्रीफिंग, अपोजिशन रहनुमाओं के रियासत मुखालिफ बयानिया और कोरोना की सूरत हाल का भी जायजा लिया जा रहा है। कराची की सियासत में क्या खिचड़ी पक रही है? रजा हारून, डॉक्टर सगीर और वसीम आफ्ताब मुस्तफ़ा कमाल से नाराज है क्या? क्या दोबारा एमकेएम में शामिल हो गए? सवाल पर मुस्तफ़ा कमाल ने कह दिया नो कमेंट्स, इतना टाइम ही नहीं कि देखूं क्या खबरें चल रही हैं। रजा हारून ने भी खबरों को अफवाह करार दे दिया। तोशाखाना रेफरेंस के बाद मियां साहब प्लॉट अलॉटमेंट केस में भी इश्तिहारी एहतसाब। अदालत लाहौर ने आइंदा समाअत पर नवाज शरीफ की मुकम्मल जायदाद की रिपोर्ट तलब कर ली। नवाज शरीफ का केस रेफरेंस से अलग कर दिया गया। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस, हमजा शहबाज की गुज़िश्ता समाअत पर अदम पेशी का जिम्मेदार खुद हमजा करार। हमजा बोले अदालत को गुमराह किया जा रहा है, एक शख्स ने मुंह पर हाथ रखकर कहा था कि मैं देख लूंगा। जज ने हमजा शहबाज को सियासी बातें करने से रोक दिया, कहा कानून के मुताबिक देखेंगे कैदी को लाने के क्या रूल्स हैं। अमीर मकाम पेशावर हाईकोर्ट में डाइस के साथ टेक लगाकर खड़े हुए तो जज ने खिंचाई कर दी, कहा अमीर मकाम साहब अदालत है असेंबली नहीं, ठीक से खड़े हो। अमीर मकाम की उबूरी जमानत में 18 नवंबर तक तौसी। कोरोना की दूसरी लहर, गुजरावाला के 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। एबटाबाद जेल में 9 कैदी मुतासर, जेल में ही करंटीना कर दिया गया। और जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी फाफ डुप्लेसी कराची पहुंच गए। डुप्लेसी पेशावर जलमी की नुमाइंदगी करते हुए पहली बार पीएसएल में इन एक्शन होंगे।